ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आप सभी मेरे को जानते हो कि मैं अशोक प्रजापत आप सभी को काफी अच्छे टॉपिक पे जो है कुछ गाइड करने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप सभी ने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, और आप सभी को बधाई हो। काफी लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं आपके साथ में, काफी स्टूडेंट को तो मैं रूबरू जानता भी हूँ। ऐसे में कुछ ऐसे साथी है जो मेरे पर्सनली जो जुड़े हुए हैं, ठीक, चाहे कहीं से प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम वगैरह से, उनकी अब जो है वैकेंसी नहीं होने के कारण, यानी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर आप जो है एक पशुधन निरीक्षक हो, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब जो है वैकेंसी अब की बार जो है नहीं थी 2023 में, और काफी ने जो है डिप्लोमा भी कंप्लीट हो गया। ऐसे में उनको ये लग रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, क्या फील्ड शुरू कर देनी चाहिए किसी डॉक्टर के पास में या कंपाउंडर के पास में रहकर कुछ सीख ले ताकि फील्ड शुरू कर दे, या फिर स्टडी ही करनी चाहिए, या फिर किसी क्लिनिक में जॉब करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे अभी जो है जैसे कि 12th के बाद में जब निकले थे, ठीक है, तो बहुत सारे रास्ते थे, ठीक है, कि किस रास्ते की ओर जाए, ठीक है। वैसे ही अब जो है वापस से हो रहा है कि स्टडी करें, क्या करें। कोई जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास में कुछ बंदे जो कि फील्ड भी शुरू कर दिए अपने बाइक में, दोनों साइड टंकियां वगैरह लगा के, ठीक है, एआई वगैरह भी करते हैं। आपको भी ऐसे उनको देख के लगता है कि हाँ यार मैं भी जाऊं सुबह सुबह मॉर्निंग को, ठीक है। लेकिन भैया ये जो है आप सभी को पता है, अगर वैकेंसी आ जाती है तब ये जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी मजे ले रहे हैं ये भी तैयारी करेंगे, ये तो आपको पता ही है। और जो बंदा पहले से कुछ पढ़ लेगा वो आपके आगे जो है काफी ज्यादा काम में आएगा। और जिन साथियों का डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है या फिर सेकेंड ईयर चल रहा है, मैं उन साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको जो है पशुपालन विभाग में एक और बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी हमारे ही डिपार्टमेंट की। आपको पता है पशुपालन में अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो वैकेंसी है वो है पशु परिचर की। ये मौका आप ना गवाए तो ही अच्छा है, हो सकता है तो इसमें जो है आप जरूर भाग ले। और मैं तो कहता हूँ कि भाग ही क्या, अगर आपको लगता है अगर आप तैयारी ही कर रहे हो तो काफी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि जल्द ही लगभग कुछ ही दिनों के बाद में जब ये पशु परिचर का मामला सलटेगा तो उसके बाद में डायरेक्ट जो है लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के बारे में नोटिफिकेशन भी आउट होगा, और उस नोटिफिकेशन में जो है वैकेंसी है। लेकिन हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, हम मुद्दा था हमारा कि क्या हमें अभी फील्ड कर लेनी चाहिए किसी डॉक्टर के पास। देखिए फील्ड, पहली बात तो फील्ड करना अभी आपको नहीं शुरू करना है अगर आपने जस्ट जो है कॉलेज किया है। पहले देखिए फील्ड करने से पहले आपको किसी डॉक्टर के पास में रहना होगा, जो भी आपके आसपास में अगर पॉली क्लिनिक हो, हॉस्पिटल जो भी है, ठीक है, पशु चिकित्सालय, वहां पर आपको जो है जाना होगा, या फिर आप अपने आसपास में भी जो डॉक्टर है, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनके साथ में रहकर भी आप जो है सीख सकते हो। जितना ज्यादा आप सीखोगे अभी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर कुछ ऐसे मैंने देखे हैं जो कि फील्ड में उतर जाते हैं, उनको सही तरीके से जो है पीडी करना नहीं आता है, सही तरीके से उनको जो है एआई करना नहीं आता है, ठीक है, ये चीजें होती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको जनरल ट्रीटमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि एआई और पीडी, ठीक है, आपको पता होगा ये जो भी डिप्लोमाधारी अभी आप राजस्थान के अगर हो तो ये वीडियो देख रहे हो, तो जनरली होता क्या है, मान लो अगर आपको जो है आप पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हो और आप जो है मान लो आपने जो है फील्ड शुरू कर दी, और जो है मान लो किसी बंदे ने बोल दिया कि यार भाई मेरी गाय या भैंस को चेक करिएगा कितने महीने की हो गई है, ठीक है। अब आपको परफेक्ट तो चलो 10-15 दिन हो गया, आपको परफेक्ट नहीं पता चलता है, एग्जैक्ट आपको महीना तो बताना ही होगा कि हाँ यार ये इसमें एआई, ठीक है, इतने वक्त करवाई थी, क्या वो ठहर चुकी है या फिर नहीं ठहरी है, इतने दिन में ये जो है इसका लास्ट पीरियड है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है ना, तब आपकी जो है आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ना ही आपने कुछ सीखा है। ये जनरल कल्चर है गाँव का, आपको जो लोग हैं उनसे ये मतलब नहीं है कि आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से पढ़ा, लेकिन जो चीज वो पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको आना चाहिए,
वो परफेक्ट होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो कि पशु को दूर से देख के ही पता लगा लेते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे बुजुर्ग थे, ठीक है, पहले वो, आज तो हम क्या करते हैं, पीडी यानी डायग्नोस करके देखते हैं। पहले वो बिना पता है पशु के जो है कुछ उसकी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर से पता लगा लेते थे कि ये पशु इतने महीने में ब्याह जाएगा या फिर इसका ये जो है ट्राइमेस्टर चल रहा है। ये अभी के जो स्टूडेंट जो है उनको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पहले सीखनी है, ठीक है। अब सीखने में वक्त लग जाता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, ठीक है। ये होता है जनरली, इतना तो महीने आपको सीखना ही होता है। जब आप AI में, PD में जनरल जो ट्रीटमेंट है उसमें अच्छा खासा आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी आपको ये होता है ना कि आप खुद को जो है, कई बार क्या होता है ना, आप खुद को किसी को बेस्ट बताए कि यार तू जो है इस मेडिसिन की जगह अगर ये मेडिसिन दे तो ये जो है तेरी इस मेडिसिन से तो अच्छा काम करेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने उन दोनों मेडिसिन को ट्राई किया है और आपको पता है कि जो पहले के वाली मेडिसिन है उसका जो है इफेक्ट कम है और इसकी बजाय ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। मतलब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है और जो नेक्स्ट आप जिसको गाइड कर रहे हो, जिसको बता रहे हो, वो भी बंदा सोचेगा कि हाँ यार ये मेरे से ज्यादा तो जानता है, ठीक है। लेकिन जब आपको कोई कहेगा हाँ यार तू ये दे दे, ये लगा दे, ठीक है, क्योंकि अमूमन होता क्या है, कई ऐसे जो होते हैं फोन पर पूछ लेते हैं कि भाई यार क्या लगाऊं, ठीक है, क्या लगाऊं, तो मुझे यहाँ पर बता, मैं यहाँ पर आया हूँ किसी पशु के ये जो है ट्रीटमेंट करना है। वो आपको बता देता है चल तू ये लगा दे, ठीक है। अब जो है उसका ट्रीटमेंट जो है दो जो है कर रहे हैं, दो डॉक्टर कर रहे हैं। कैसे, एक तो आप कर रहे हो, एक जो कॉल वाला कर रहा है। आप उसको फिजिकली देख रहे हो और वो कॉल पे आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, ठीक है। ऐसे में जो ट्रीटमेंट करवा दे कि पशु आपसे बोलेगा नहीं कि मेरा भैया ट्रीटमेंट होता क्या, अगर मैं, अगर आप या हम किसी डॉक्टर के पास है तो हम सारी चीजें बता देते कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, पशु थोड़ी बता रहा है, पशु पालक बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको सीखनी है। मैं तो कहता हूं अगर आप ये सारी चीजें सीखते हो तो इनमें कम से कम अच्छी खासी जो है, पहले तो आप स्टडी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप तैयारी करो। नहीं, अगर आप फील्ड करना चाहते हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास में रहो और तैयारी करो, जिससे कि आप जो है आपका अच्छा खासा कल्चर भी हो जाएगा। जो भी आसपास में आपका कल्चर है गांव का, उस हिसाब से आप सेट हो जाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।